स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है जे जतिन ने, और वीडियो का टाइटल है गॉड्स ऑफ जापान एंड इंडिया, जापानी भी मानते हैं हिंदू भगवानों को। तो देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ, नाम बहुत मुश्किल है लेकिन ईमेल बहुत अच्छी थी, और नाम है चिरायो बपत, शायद मैं गलत अगर प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा। और अब हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और हमारे भारत में कई देवी देवताओं को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और कईयों के अलग अलग मंदिर भी पूरे देश में मौजूद हैं, जिसमें से कई देवी देवता ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन पूरे विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां हिंदू धर्म भारत की तरह ही पहले से मौजूद है, और वहां भी लोग हमारी ही तरह देवी देवताओं की पूजा अर्चना काफी समय से करते आ रहे हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां हिंदू देवी देवता और भगवान मौजूद हैं, जिन्हें लोग अपने तौर तरीकों से मानते और उनकी पूजा भी करते हैं। दिखने में ये देवी देवता थोड़े अलग लगते जरूर हैं, लेकिन अगर इनकी कहानियों और जिस तरह से ये दिखते हैं उन पर हम गौर करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही हैं, बस नाम दूसरे देशों के हिसाब से अलग अलग हैं। सबकी शक्तियाँ और जिन चीजों की वजह से ये जाने जाते हैं वो सब चीजें हिंदू धर्म में मौजूद भगवानों की तरह ही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी प्रीस्ट, संत महात्मा या किसी मंदिर में बैठे पुजारी से पूछेंगे कि भगवान क्या है, कौन है, तो वो आपसे कहेंगे कि भगवान वो हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता और जिन्हें कभी बनाया नहीं जा सकता और जिनसे हम हैं। वहीं अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे कि क्या है जिसकी वजह से हम हैं, तो वो कहेंगे कि एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम बने हैं, उस एनर्जी को कभी मिटाया नहीं जा सकता और कभी बनाया नहीं जा सकता, वो अपने आप है और उसी की वजह से हम हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। सनातन का क्या मतलब है? इसका मतलब है टाइमलेस, यानी कि जो समय के परे हो, यानी कि बियॉन्ड द डिमेंशंस ऑफ टाइम। जितने भी लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो सब जानते हैं कि भगवान अगर हैं तो वो एक ही हैं, गॉड इज वन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर देश, हर धर्म में लोगों ने अपने भगवान को अपने तरीके से परसीव किया है, और सबके नाम भी अलग अलग हैं और उन सबको अलग अलग तरहों से पूजा भी जाता है। इसी के साथ एक नजर डालते हैं भारत और जापान के भगवानों में क्या अंतर है और कितनी सिमिलैरिटीज हैं। माँ सरस्वती, बेनजाइटिन सामा। सरस्वती माँ शिक्षा, ज्ञान, संगीत और आर्ट की देवी हैं और इन्हें पूरे भारत में पूजा जाता है। सरस्वती माता के हमारे भारत में काफी मंदिर भी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं पूजा जाता बल्कि जापान में भी इनके 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं और इनके नाम पर जापान में नदियां भी हैं। जापान में भी माँ सरस्वती को उसी तरह से पूजा जाता है जिस तरह भारत में, और वहाँ पर इनका नाम बेनजाइटिन सामा है, और बेनजाइटिन सामा का स्वरूप हूबहू माँ सरस्वती से मिलता भी है। जैसे माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, ठीक उसी तरह जापान में भी गॉड इज बेनजाइटिन और उनके हाथ में जापान की परंपरा के अनुसार वीवा डिपिक्ट किया जाता है। बेनजाइटिन सामा जल, समय, शब्द, ज्ञान और संगीत की देवी हैं। इसके साथ ही जापान में शिंतो धर्म में इनकी पूजा की जाती है और इस धर्म में माना जाता है कि गॉडेस बेनजाइटिन ने प्रकृति, जीव जंतुओं और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और बेनजाइटिन सामा को जापान की प्रोटेक्टर भी माना जाता है। पूरे जापान में वैसे अगर देखा जाए तो 20 से भी ज्यादा हिंदू भगवानों को पूजा जाता है। केंगाइटिन भगवान गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी तरह का कार्य करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं ताकि हमारे नए काम में किसी भी तरह की बाधा ना आए और वो काम आसानी से पूरा भी हो जाए, यानी कि किसी भी चीज का श्री गणेश करना। ठीक इसी तरह पूरे जापान में बेहद पुराने मंदिर आज भी मौजूद हैं जो कि हजारों सालों से वहाँ बने हुए हैं, और उन मंदिरों में वहाँ रहने वाले लोगों से लेकर दूसरे देश के पर्यटक भी काफी शौक से मंदिर में बैठे देवताओं के दर्शन करने जाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है
भगवान गणेश जी का, जिन्हें जापान में केंगाईटेन के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर 8वीं सेंचुरी से बना हुआ है और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। और इतना ही नहीं, ये मंदिर तो सिर्फ टोक्यो में मौजूद है लेकिन पूरे जापान में भगवान गणेश के 250 से भी ज्यादा मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं और उन्हें वहाँ के लोगों द्वारा कई अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे शोटेन, गानाबाची यानी कि गणपति, विनायक तेन और केंगाईटेन। भगवान गणेश का सबसे ज्यादा एक्टिव मंदिर जापान के ओसाका शहर में मौजूद है और वहाँ काफी तादाद में लोग रोज केंगाईटेन के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर को स्थापित करने वाले बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम है तंकाई और ऐसा माना जाता है कि तंकाई ने मंदिर इसलिए स्थापित करवाया था क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी थी, लेकिन केंगाईटेन यानी कि भगवान गणेश ने उनके रास्ते में काफी बाधाएं लगाई और तंकाई ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का मंदिर माउंट इकोमा की सुंदर वादियों में स्थापित करने का वादा किया और कहा कि मैं यहाँ पर एलिफेंट के मुंह की एक प्रतिमा बनवाऊंगा और केंगाईटेन को प्रसन्न करूंगा, जिसके बदले में उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि आप मुझे प्रोटेक्ट करें और सिद्धि प्राप्त करने में मेरी मदद करें। और इसीलिए आज भी भगवान गणेश को जापान में पूजा जाता है पैसे और प्रोस्पेरिटी के लिए। यमराज एमाटेन। यमराज तो हम सब जानते ही हैं कि मृत्यु के बाद इंसान के शरीर से आत्मा निकालकर ले जाने वाले यमराज ही हैं, जिसके बाद हमारा जजमेंट होता है कि हमने अपने पूरे जीवन में कितने अच्छे कार्य किए और कितने बुरे, उसके हिसाब से ही हमें सजा दी जाती है, जिसके बाद हमारा वापस जन्म होता है। ठीक इसी तरह जापान में भी यमराज को अंडरवर्ल्ड का राजा यानी कि नर्क का राजा कहा जाता है। जापानी कल्चर में भी इन्हें इंसान की आत्मा का राजा और जज कहा जाता है और वहीं जापानी कल्चर के हिसाब से यमराज या एमाटेन की बहन औरतों की आत्माओं को जज करती है और एमाटेन खुद मर्दों की आत्माओं को। जापान के कल्चर में एमाटेन को एक चाइनीज जज की टोपी पहने हुए और एक चंड चेहरे में डिपिक्ट किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एमाटेन का काम ही ऐसा है। लक्ष्मी कीची जोतेन। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन जोर शोर से होता है ताकि हर किसी के पास लक्ष्मी हो और घर में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। और लक्ष्मी को खुश करने के लिए हर साल हम अपने घरों में जोरदार वाली सफाई और नया पेंट करवाते हैं ताकि वहाँ लक्ष्मी का वास हो। ठीक इसी तरह जापान में भी लक्ष्मी को अलग नाम से जाना जाता है किचिजोतेन और इन्हें वहाँ फर्टिलिटी, लक, ब्यूटी यानी कि सुंदरता और योग्यता की देवी माना जाता है। और दूसरे सभी देवी देवताओं की तरह ही इन्हें भी हिंदू कल्चर से पहले बुद्धिज्म में लाया गया और बुद्धिज्म से जापानी लोग इन्हें पूजने लगे और आज भी इनकी पूजा अर्चना जापान में की जाती है। भोलेनाथ भगवान शिव दाइको कुतेन। भगवान शिव भोलेनाथ को जिस तरह भारत में पूजा जाता है ठीक उसी तरह जापान में भी भगवान शिव को एक अलग नाम और एक अलग रूप में पूजते हैं। पूरे जापान में भगवान शिव सर्वशक्तिमान माने जाते हैं और वहाँ सबसे फेमस भी हैं। इनके मंदिर पूरे जापान में प्रसिद्ध हैं और जापानी लोग उन्हें द ग्रेट ब्लैक यानी कि महाकाल के नाम से जानते हैं। कुछ जापानी लोगों के हिसाब से दाइको कुतेन यानी कि महाकाल जापानी भगवान ही हैं क्योंकि भारत में उन्हें शिवा द डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं जापान में उन्हें प्रोस्पेरिटी का देवता कहते हैं और भारत में उन्हें नेगेटिविटी से भी रिलेट किया जाता है। वहीं जापान में उन्हें थोड़ा हसमुख माना जाता है और वहां के हिसाब से वो एक हसमुख भगवान है जिनके पास सोने से भरा एक झोला है और एक हाथ में एक छोटा सा हथौड़ा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जापानी कल्चर को दाइको कुतेन भारत से ही प्राप्त हुए जो यहाँ महाकाल है। जय महाकाल। ब्रह्मा बॉन्टेन। भगवान ब्रह्मा जिनकी नाभि से इस सृष्टि का निर्माण हुआ उनका इकलौता मंदिर हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में है और इसके पीछे का कारण वैसे तो बहुत लोग जानते हैं पर अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मा का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर क्यों है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि ब्रह्मा क्योंकि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था तो वो चाहते थे कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाए और उनकी पूजा अर्चना हर घर में हो, लेकिन ऐसा आज तक इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्रह्मा को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनका सिर्फ एक ही मंदिर आज पुष्कर में है। लेकिन जापान में बॉन्टेन के नाम से भगवान ब्रह्मा
वहाँ जाने जाते हैं और उनके वहाँ काफी मंदिर हैं, क्योंकि जापानी कल्चर में उन्हें बुद्धा के प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है और वहाँ भी उनके हाथ में लोटस फ्लावर डिपिक्ट किया जाता है और उन्हें सबसे बड़े देवता यानी कि देवों का राजा माना जाता है। लेकिन उन्हें सृष्टि के निर्माता के रूप में जापान में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बल्कि बुद्धा के गुरु के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जापानियों के हिसाब से ब्रह्मा ही थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को प्रीच करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वैसे अगर देखा जाए तो जापान में और भी हिंदू भगवानों की पूजा की जाती है और जापानी लोग अपने तौर तरीकों से उन्हें मानते हैं, पर इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको उनके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो लिस्ट काफी बड़ी है। और इतना ही नहीं, जापान के अलावा और भी देश हैं जहां हिंदू भगवानों को आज भी पूजा जाता है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया, वहां की तो करेंसी पर भगवान गणेश बने हुए हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो नॉर्थ सनातन धर्म जो है एक बहुत पुराना धर्म है, खास तौर पर इस रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कई सौ सदियों से यही चलता आ रहा है। और इसके अलावा भी जब हम कई रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलता है। बिल्कुल। वैसे एक जो चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा जब भी ऐसे कोई रिलीजियस टॉपिक होता है तो देखो हर जगह पर एक ही चीज आपके सामने आती है कि आपके रास्ते डिफरेंट है, आपके नाम मुख्तलिफ, लेकिन क्या है कि आपको पहुंचना एक ही जगह पर है, आपकी मंजिल सेम है। तो अगर अभी हम जैसे इंडिया और जापान की गॉड्स का हम लोगों ने देखा तो उसमें जो जापान के लोग हैं बस उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं पर वो भी मानते हैं, वो पूजा भी उन्हीं भगवानों की करते हैं जहां जो के सनातन धर्म में। बिल्कुल। देखिए अगर हम लॉर्ड गणेश की बात करें और अगर माँ सरस्वती की बात करें तो वो हमें वहां पे भी देखने को मिले, लेकिन क्या था, सिर्फ नाम जो है डिफरेंट है और कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से वो उनकी मान्यता है वो बिल्कुल सेम है कि किस वजह से वो मानते हैं, उसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें काफी होती हैं समझने के लिए कि आप जिस जिस चीज को फॉलो कर रहे हो या जिस भी रास्ते पर हो आपको रहने देना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानों को अगर ये चीज समझ में आ जाए तो बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो उनसे ना वो सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। अब हमने जब ये वीडियो देखी है तो वीडियो में जो है बात पहले तो उन्होंने खुद डिटेल बताई, फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है एक एक तस्वीर जो है जो इंडिया में जिस तरह है और जापान में जिस तरह है वो एक तस्वीर लगाई और नीचे उसकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखी, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग लिखे। वर्ड्स के मीनिंग भी सेम थे, इसलिए जो लॉर्ड शिवा थे उनके जो स्टैचू के अलावा बाकी सब का उन्होंने सेम बताया है। अच्छा, लॉर्ड शिवा उनके बारे में जैसे उन्होंने बोला ना कि वहां पर उनको बहुत हैप्पी हैप्पी तौर पर लिया था, यहाँ पर जो उन्होंने नेगेटिविटी बोली आई थिंक वो उस चीज को बता रहे थे कि वो अग्रेशन, आई थिंक अग्रेसिव जो है उसके साथ वो रिलेट कर रहे थे। जहां तक हम लोगों ने वीडियोस को देखा है और हम लोगों को पता चला है, हम लोगों को तो यही समझ में आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें गॉडेस लक्ष्मी की तो उनको भी देखें तो वाकई में मतलब एक जैसे ही वो लगते हैं, मतलब थोड़ा सा ये कि चेहरा जिनसा बनावट के लिहाज से डिफरेंट, चेहरा बनावट यानी कि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जापानीज ने अपने कल्चर के मुताबिक उसे बना दिया हुआ है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में उनके कल्चर के मुताबिक है, लेकिन चीज एक है कि जो लोटस का फूल है वो सब में सेम है। बिल्कुल। ये तो मैं बात कर रही हूँ काफी ज्यादा जिनकी हैं चीजें वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और पता है मुझे अच्छा ये लगता है कि ना आप जो भी जगह में हो और जिस चीज को भी फॉलो कर रहे हो ना, आपको बस सुकून चाहिए होता है। सही बात। सुकून में रहें और सुकून में रहने दें, सिर्फ ये मुझे, क्योंकि देखो रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग किसी को ना जबरदस्ती चीजें मनवाएं। रिलीजन का मतलब ये होता है कि ये आपका एक बिलीफ है, एक फेथ है जो आपको सुकून देता है। अगर मैं जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इस फेथ पे यकीन है तो मुझे इसी को ही प्रैक्टिस करके एक अच्छा फील होगा। अगर कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है या कोई भी और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो फेथ है उन्हीं को सुकून देता है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि कोई भी जो जिस रिलीजन से भी ताल्लुक रखता है ना, उसके सामने जब कोई चीज गलत हो रही होती है ना, उसे पता
होता है कि ये जो चीज है ये गलत हो रही है, तो वो फिर भी अगर रोकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली लोग हमें क्या देखने को मिलता है कि नहीं रोकते। तो ये कि अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप जो है इनके हर रिलीजन अच्छाई का हुक्म देता है, लोगों के साथ इंसान के साथ अच्छी तरह रहने का जो है वो यानी कि एक लेसन देता है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है उसे किस तरह लेकर चलते हैं। नहीं वैसे मौजूद यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं कॉन्फ्लिक्ट होगा मेरा मौजूद के साथ, उसकी रीजन ये है कि अगर मैं हमारी कम्युनिटी की स्पेशल बात करूं तो यहाँ पे मुझे जो एक प्रॉब्लम नजर आती है वो ये कि लोग यहाँ पर ऐसा है कि वो ये नहीं देख रहे कि गलत है तो उसको सपोर्ट ना करें, बल्कि वो खामोश हो जाएंगे उस पर। और मुझे लगता है खामोश नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूँ ना, इन्हें पता होगा कि भाई ये गलत काम कर रहा है, इन्हें मुझे रोकना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। जब ये भी मुझे नहीं रोकेंगे, आजू बाजू लोग भी नहीं ना रोकेंगे, तो वो मैं और बढ़ चढ़ कर उस काम को करूंगा, क्योंकि आपको एक फ्री हैंड, लोगों की खामोशी का एक फ्री हैंड मिल चुका होता है। और ये सरल से भी ज्यादा होता है क्योंकि आपको चीजों का नॉलेज नहीं होता, आपको अवेयरनेस नहीं होती, आपने चीजें पढ़ी नहीं होती, इसलिए आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या करना है क्या बोलना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, हमारे कॉमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबका नहीं बोलूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेली रूटीन बेस पर ये बात लिखते हैं वीडियो अच्छी नहीं है, मजा नहीं आया, जो भी वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगी कि ठीक, मैं मान सकती हूँ कि आपको वो वीडियो देखने का मजा नहीं आता होगा, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती होगी, लेकिन क्योंकि वीडियो जितनी भी होती है वो हमें सजेस्ट की जाती है, हमारे बहुत ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें ये वीडियो सजेस्ट करते हैं। तो काइंडली मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको नहीं पसंद आती तो प्लीज इतना बुरा भला मत बोला करें, क्योंकि जो वीडियो सजेस्ट कर रहा होता है सीरियसली नेक्स्ट टाइम पर हमें ईमेल आ रही होती है कि आप हमें साइलेंट सब्सक्राइबर रहने दें। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पर हर्ट कर रहे हो, मतलब आपको पता भी नहीं है और आप किसी को हर्ट कर रहे हो। तो प्लीज इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आई होप आप समझ सकेंगे इन चीजों को। और अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे पूछेंगे कि आप में से किन किन को इस वीडियो के बारे में या इस तरह की नॉलेज थी कि जापान में भी काफी सारे गॉड्स जो हैं वो उनको फॉलो किया जाता है। हाँ नहीं मतलब जो इंडियन गॉड्स को फॉलो किया जाता है वहां पर, एग्जैक्टली कहने का यही मतलब था मेरा। कमेंट सेक्शन में और अब मैं इजाजत, हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।